फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedic.in। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। तो आज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ वीडियोस मिलते हैं। यहाँ पे आपको फूड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, इवन ब्लॉगिंग भी मैं करती हूँ तो उससे भी रिलेटेड आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कुकर में मैंने आधे कटहल को और 2 आलू को साथ में बॉईल कर लिया है। ऑल्दो ये प्रोसेस जो है ये इतना ज़्यादा आसान है कि आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगा। अगर आपको कभी कटहल की सब्ज़ी बनानी हो तो आपको पहले से बर्डन नहीं फील होगा कि आपको उसे कट करना है, कितना टफ होता है उसे कट करना। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपके लिए ये सब्ज़ी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब चाकू में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हाथ में भी तेल लगाएंगे और ये बस सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कर रही हूँ, जबकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है बॉयल हो जाने के बाद, लेकिन हाथ को सेफ रखने के लिए तेल लगा लेना चाहिए। अब इससे हम लोग कट करेंगे। बॉयल करने के बाद जो कटहल होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए उसका कट करना बहुत आसान हो जाता है। उसका कवर भी हम लोग बिल्कुल आसानी से हटा लेंगे। अब इसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको पीसेस चाहिए वैसे काटिए। और आलू को भी कट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम लोग 3 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल लेंगे और उसमें कटहल को फ्राई कर लेंगे। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसे हम लोग निकाल के अलग रख लेंगे। और मैं हमेशा खाने को ऑब्जर्व करती हूँ, उसे टेस्ट करके मैं नहीं बताती। मेरे खाने में हमेशा परफेक्ट नमक, परफेक्ट चीनी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहता है क्योंकि मैं अपने खाने को अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ कि मुझे कब कितना डालना चाहिए और मुझे इसका प्रोसेस भी पता चल जाता है, चाहे मैं 2 लोगों के लिए बनाऊँ या फिर 10 लोगों के लिए। मेरे खाने में कभी भी आपको कम या ज़्यादा नमक या चीनी नहीं मिलेगा। तो आप भी खाने को कभी भी झूठा मत कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कितना डालना चाहिए। अब इसमें हम लोग आलू भी डालेंगे उसी कढ़ाई में और उसे भी बाहर से क्रिस्प और गोल्डन करके फ्राई कर लेना है और उसे निकाल के अलग रख लेंगे। मैं अपनी मम्मी को भी देखती हूँ, वो भी कुकिंग करते समय कभी भी खाना को जूठा नहीं करती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई खाने को जूठा करके बनाता है। तो अब उसी कढ़ाई में हम लोग 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे और साबुत खड़े मसाले डालेंगे उसमें, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सब डालेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये मैं जनरली क्या करती हूँ कि साबुत धनिया जो होता है उससे हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ और उसे कूट के रख लेती हूँ। वो मसालों में आप उसे डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अब उसमें प्याज डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। अब मसाले बना लेंगे तो उसके लिए ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें लहसुन की कुछ कलियाँ डालेंगे, साथ में कुछ पेपरकॉर्न डालेंगे, फिर उसमें जीरा डालेंगे और हरी मिर्च डाल के उससे हमें पीस लेना है। मसाले रेडी हो चुके हैं। अब प्याज भी ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है, देखिए तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। तो अब इसमें हम लोग वो जो मसाले बनाए हैं वो डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। अब आपकी रेसिपी का जो मेन मसाला है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, स्प्रेड करते हुए नमक डालिए, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। और इसे फ्राई करने में टाइम लगता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि अगर मसाले इस स्टेज में जल जाएंगे तो आपकी रेसिपी का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पानी, यानी कि आधे कप पानी आप इसमें डाल दीजिए। ताकि मसाले जले नहीं। अब उसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम लोग मीट मसाला डालेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इस मसाले से आपकी रेसिपी का 2 गुना टेस्ट बढ़ जाएगा। अब उसे मिक्स करेंगे। अब देखिए मसाले बिल्कुल तेल छोड़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे धनिया के पत्ते को चॉप करके डाल देंगे। धनिया के पत्ते के साथ जो उसका डंठल होता है वो डालने पे आपकी रेसिपी पे अलग ही टेस्ट आ जाता है, क्योंकि मेन जो एरोमा होता है वो उसके डंठल में ही होता है। पत्ते तो गार्निशिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन डंठल जो होता है वो कुकिंग में आप यूज़ कीजिए, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इसे फ्राई करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप बिल्कुल पेशेंस रखते हुए कुकिंग कीजिए, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब उसमें जो फ्राई किया हुआ कटहल और आलू है वो डालेंगे और सबको मसाले में कोट कर लेंगे। अब इसमें 3 कप के करीब पानी डालेंगे और इसे हमें कम से कम आधे घंटे तक पकाना है ढक्कन लगा के। अब हम लोग देखेंगे, देखिए रेसिपी जो है वो लगभग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हमें मिक्स करना है, इसे देख लेना है कि सब कुछ अच्छे से पका है कि नहीं। कटहल बिल्कुल दबाते ही टूट जाना चाहिए, तभी आपकी रेसिपी जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब जो है ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस पे हम लोग धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे और इसे बॉयल्ड राइस के साथ आप सर्व कीजिए, बहुत टेस्ट अच्छा लगता है बॉयल्ड राइस के साथ। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।